नमस्कार दोस्तों, शशि मिश्रा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक लस्सी की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। लस्सी का नाम है मोतीचूर लड्डू लस्सी। बहुत ही यूनिक लस्सी है ये, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि लड्डू लस्सी बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या क्या लिया मैंने। मैंने आ लिया है मोतीचूर के लड्डू, उसको मैंने क्रश कर लिया है। अगर लड्डू नहीं है, अगर बूंदी है तो उससे भी आप बना सकते हैं। कई जगह खाया जाता है जलेबी दही, जलेबी दही मशहूर है। लड्डू से भी आप दही में डालकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं लस्सी बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए। इसके लिए मैंने लिया आइस क्यूब्स। लड्डू को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और घर की बिल्कुल जमी हुई मीठी दही है, शक्कर है। आप लड्डू मीठा है तो इसलिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें 2 चम्मच घर की फ्रेश दूध से निकली हुई मलाई लिया है मैंने, इससे लस्सी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम लस्सी बनाना शुरू करते हैं। आप लेंगे एक जार, उसमें हम डालेंगे दही, आइस क्यूब डालें, चीनी, और ये मलाई, और अच्छे से इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। चलिए अच्छे से लस्सी बन गई है। अब लेंगे सर्विंग ग्लास इसे सर्व करने के लिए। और आप कहेंगे कि लड्डू लस्सी बनाया तो उसमें डाला क्यों नहीं। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि इसका जो घी होता है, इस लस्सी में पीसने के बाद घी की टेस्ट आएगा, फिर लस्सी का स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ग्लास में डालकर ऊपर से लस्सी डालूंगी, जो इसके चंक्स हैं यानी टुकड़े हैं मुँह में आएंगे तो स्वाद अच्छा आएगा। तो इसलिए मैं इसमें डालूँ। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, लेकिन पीसने से स्वाद घी घी आएगा, फिर लस्सी आपकी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं ग्लास में डाल रही हूँ ये लड्डू। आप ऊपर से लस्सी डालेंगे। अब जो लड्डू नीचे है उसे चम्मच से अच्छे से नीचे से ऊपर चलाएंगे, ताकि पूरे लस्सी में जो बूंदी है अच्छे से मिक्स हो जाए। वाह, कितनी टेस्टी लस्सी लगेगी ये पीने में, देखिएगा बनाकर। तो ये है लस्सी तैयार, रेडी हो गई। और उसके ऊपर जो ये बचे हुए क्रश किए हुए हैं लड्डू के जो दाने हैं बूंदी, ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। ये लड्डू लस्सी रेडी है, आप भी अपने घर में जरूर बनाइए। अच्छी लगे आज की रेसिपी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।